सो हेलो फ्रेंड्स, एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है घर बैठे ही अपने एंड्रॉइड फोन की हेल्प से आधार कार्ड जो है बैंक अकाउंट से लिंक है या भी नहीं, आप उसको पता कर सकते हैं। यदि आपको आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक करना है और उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैंने इस चैनल पर एक इसी टॉपिक पे जो है पूरी तरह से ए टू जेड प्रोसेस करके फुल वीडियो बनाया है। तो यदि आप वह वीडियो देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से आधार नंबर जो होता है वह बैंक अकाउंट में कैसे लिंक करना है, उसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे आना है और वहाँ पर आपको गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सर्च में UIDAI लिखकर सर्च करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है यह UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको सिंपल है इस वाले वेबसाइट को ओपन करना है। मैं इस वेबसाइट का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है सीधे उस लिंक पे क्लिक करके ये जो पेज है आप यहाँ पे चले आएंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे बगल में आप देखेंगे तो 3 लाइन का आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको इस 3 लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो आप जो है एम आधार पे आ जाएंगे, और एम आधार में यहाँ पे बगल में जो है एक डाउन एरो का आपको सिंबल दिखेगा, आपको सिंपल है इस डाउन एरो वाले सिंबल पे क्लिक करना है। और आपको इसमें जो है आधार सर्विस, यहाँ पे ऊपर से जो है तीसरा जो सर्विस यहाँ पे दिया है आधार सर्विस, आपको इस पे क्लिक करना है आधार सर्विस पे। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, आपको इसमें नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पे इसमें जो है आपको आधार लिंकिंग स्टेटस, जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे आधार लिंकिंग स्टेटस जो है आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अब आपको करना क्या है, इस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपल ही क्लिक कर देना है, आधार स्टेटस जो ऑप्शन है। तो यहाँ पे अब आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, आप चाहें तो इसे इंग्लिश में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको ऊपर में जो है आपको यदि आप मोबाइल फ़ोन पे काम कर रहे हैं इसको करना चाहते हैं तो ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट जो होता है आपको डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है। इससे होगा यह कि यह पेज जो है आपको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में जिस तरह ओपन होता है आपको आपके मोबाइल फ़ोन में उसी तरह ही ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको काफ़ी अच्छे से दिखे इसके लिए मैं जूम कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे जूम करना है और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आपको अपना यहाँ पे आधार नंबर, जी हाँ दोस्तों, आपको अपना आधार नंबर और वर्चुअल आईडी यानी कि VID नंबर, आप इन दोनों के माध्यम से जो है आप यह पता कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में आधार नंबर जो है लिंक है भी या नहीं। तो चलिए मैं आधार कार्ड की हेल्प से इसमें आपको करना बताऊंगा। तो यहाँ पे नीचे में आपको सिंपल जो 12 डिजिट का आपका आधार नंबर होता है यहाँ पे आपको भरना है, और नीचे में यहाँ पे जो कैप्चा देख रहे हैं आपको इस कैप्चा को देखकर इसमें फिल कर देना है, और जस्ट आपको नीचे में यहाँ पे सेंड OTP जो है आपको इसमें जो है सेंड OTP पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे इस तरह से एक OTP मतलब करके मैसेज आएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे इंटर OTP / जो है यहाँ पे OTP लिखा है आपको इसमें फिल कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि OTP आ चुका है, आपको इस यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद से आपको सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का मैसेज खुलकर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है आधार नंबर लिंक है भी या नहीं है। तो यहाँ पे आपको पूरा तरीके से क्लियर जो है स्टेटस जो है आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, उन्हें भी पता चले कि वह कैसे जो है घर बैठे ही अपने एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करके
आधार कार्ड जो है या फिर आधार नंबर जो होता है वो बैंक अकाउंट से लिंक है भी या नहीं उसको जान सकते हैं। और यदि आपका इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।